नमस्कार दोस्तों, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है, दोस्ती का दिन 6 अगस्त। प्यारे दोस्तों, मेरे जीवन में दोस्तों का बहुत बहुत महत्व है और आज मैं अपने कुछ गिने चुने दोस्तों के बारे में बताना चाहूँगा। और दोस्तों से ज़्यादा दोस्ती क्या होती है, दोस्ती किससे होती है और किससे नहीं करनी चाहिए, उस पर मैं थोड़ी बात ज़रूर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार और उन्हें मैं कहना चाहता हूँ हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और ये तो आपने सुना ही होगा, नो सॉरी नो थैंक यू। बहुत बढ़िया बात हम लोगों ने सीखी थी मैंने प्यार किया फिल्म में, कि दोस्ती के बीच सॉरी और थैंक यू नहीं चलता है। प्यार दोस्तों, दोस्ती की में जो मेरी अपनी समझ है, दोस्ती हमेशा बराबर वाले में होती है, इसके सिवा और बाकी सब झूठ है। अगर मैं गरीब हूँ और कोई आदमी अमीर है और मैं आज उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूँ, ज़िंदगी भर मेहनत करते रह जाएंगे अपनी तरफ से या उसकी तरफ से, ये दोस्ती कभी नहीं होने वाली है। दोस्ती जब भी होगी दो बराबर के लोगों में होगी। बस ये आज के वीडियो का सबसे गोल्डन लाइन है, दोस्ती हमेशा बराबर वाले से होती है या की जाती है। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, उसी तरह से दोस्ती भी की नहीं जाती है हो जाती है। और दोस्ती जो है, ओशो कहते हैं कि फ्रेंडशिप इज हायर देन लव, दोस्ती प्रेम से बहुत ऊंची चीज़ है, क्योंकि प्रेम में वासना होती है, मांग होती है, डिमांड होती है, दोस्ती में कोई वासना नहीं होती, दोस्ती में सिर्फ शेयरिंग और बांटना होता है। प्यारे दोस्तों, ये कुछ दोस्ती की खूबियाँ हैं जो अगर हम समझ कर चलें तो हमारे जीवन में दोस्ती एक अच्छा रंग भर सकती है। और याद रखिए, जिसके जीवन में दोस्त नहीं है, या तो वो सिद्ध पुरुष है या फिर किस्मत ख़राब है उसकी। बचपन से मैं अपने जितने दोस्तों को याद करूं, सबसे पहले तो मुझे बचपन के जितने साथी याद आते हैं, हम लोग छपरा ज़िला बिहार मोथान से थे हम लोग, मेरे गांव के जितने भी दोस्त हुए बचपन में, बस वही दोस्ती सबसे सच्ची दोस्ती और अच्छी दोस्ती थी। उस समय दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं था, बस साथ स्कूल जाना, खेलना, यही दोस्ती थी। फिर वहाँ से हम लोग जब यहाँ धनबाद में पाथरडी पहुँचे हैं 1983 में, यहाँ आकर मुझे सिर्फ पाथरडी में 50-100 दोस्त मिले, जिनमें से मैं आज 10 दोस्तों का नाम नहीं, उनके कुछ गुण बताना चाहूँगा, ताकि आप सभी भी समझ सकें कि दोस्त कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको नर्क के गड्ढे तक पहुँचा दे, और दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपको आध्यात्म की ऊंचाई तक पहुँचा दे। मेरे जीवन में वो सारे तरह के दोस्त आए। 1983 में मेरे जितने दोस्त आए, उनमें से बचपन में जितने भी दोस्त मुझे मिले, वो आज तक उन सबसे मेरी दोस्ती बनी हुई है। दुख की बात तो यह है कि मेरे दोस्तों में से दो दोस्त या दो से ज़्यादा ही अभी दुनिया में नहीं रहे, कोरोना काल में चले गए या किसी और तरह से चले गए। तो ऐसे भी दोस्त हुए जीवन में जब दुनिया में नहीं रहे, उन सबको मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके साथ बिताया गया दिन बहुत ही अच्छे दिन थे, ये जो मेरे दो दोस्त जो दुनिया से चले गए, बहुत खुलकर उन्होंने अपना प्यार दिया, हम में बराबरी का रिश्ता था, अमीरी गरीबी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरी दोस्ती की शुरुआत जहाँ से हुई, 1983 के बाद से जितने दोस्त मिले, आज भी वो मेरे लोग मेरे जीवन में हैं। और मैट्रिक तक आते आते जो मेरे दोस्त मिले, उनमें बहुत सारे ऐसे ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मेरे जीवन को नई राह नई दिशा भी दी, क्योंकि दोस्त ही आपको सही राह दिखा सकता है और दोस्त ही आपको गलत राह की तरफ भी ले जा सकता है। अगर देखा जाए मेरे जीवन में अगर 10 महानतम दोस्त हुए हैं, तो उनमें से 5 दोस्त तो जरूर ऐसे थे जिन्होंने मुझे नर्क का रास्ता दिखा दिया और मुझे नर्क की यात्रा करने में बड़ी सुगमता हुई। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हुए जिन्होंने मेरे पतन का सारे द्वार खुलवा दिए, ऐसे ऐसे दोस्त हुए जहाँ जाकर मैंने बहुत सारी गलत और गंदी चीज़ें सीख लिया और अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। फिर मेरे जीवन में ऐसे दोस्त भी आए जिन्होंने मुझे अध्यात्म से जोड़ा, जिन्होंने मुझे अध्यात्म से जोड़ा उसकी शुरुआत मेरी एक बहन थी, उनसे होता है। उन्होंने ही मुझे बहुत पहले अपने अच्छे संस्कार से, अच्छे ज्ञान से
मुझे अध्यात्म की तरफ मोड़ा। तो मेरे हिसाब से वो मेरी पहली दोस्त थी, मेरी बहन थी, जिन्होंने मुझे अध्यात्म सिखाया, क्योंकि वो मेरे सामने बैठकर ध्यान करती थी और उस समय तो मैं ध्यान करता नहीं था, मैं बाहर बैठ के इंतज़ार करता था कब उसका ध्यान पूरा होगा तो हम लोग बातचीत करेंगे। तो मेरे जीवन में अध्यात्म लाने वाले मेरे दोस्त थी हैं। आज भी मेरे जीवन में एक आध महिला दोस्त ऐसी हैं जिनसे मेरा आध्यात्मिक रिश्ता है। आप उन्हें मेरा दोस्त कहें, मेरी बहन कहें, मेरी माँ कहें, शब्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी, नहीं बहुत सारी नहीं कहूँगा, दो या तीन ही ऐसी महिला भी हैं, स्त्री है, बहन है, जिन्होंने मुझे आध्यात्मिक मार्ग में सहयोग दिया। और मैं ये बात अपने वीडियो में साफ साफ कहना चाहता हूँ, जिन लोगों से मेरा आध्यात्मिक रिश्ता नहीं है उन लोगों से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर मेरी मित्रता, मेरी दोस्ती मुझे अध्यात्म में ऊपर उठा सकती है देन इट्स ओके, और अगर मेरी दोस्ती मुझे आध्यात्मिकता को नुकसान पहुंचा रही है तो ऐसे दोस्त को दूर से पढ़ना। लेकिन ये बात भी सही है कि दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती। दोस्ती का सीधा मतलब है शेयर एन्जॉय ऑफ द लाइफ, जीवन की शुद्ध मस्ती। मस्ती को ही आप चाहे तो दोस्ती कह सकते हैं। दोस्ती वही है जिसके में आप अपना सारा दुख भूल जाइए। दोस्ती की सबसे सुंदर परिभाषा, जिसके पास जाकर आपको समय की लंबाई का पता न चले कितना समय गुजर गया, उसे ही मैं दोस्त मानता हूँ। लेकिन मेरा एक और दुर्भाग्य रहा है, मेरे जीवन में मेरे दो तीन दोस्तों को छोड़ करके बाकी सभी दोस्त को मैं अपना दोस्त मानता हूँ वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। इस बात को विशेष करके मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत साल तक गलतफहमी में रहा कि मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने दोस्त हैं। फिर जीवन में ऐसा दिन देखने को आया जहाँ सभी दोस्त का पता चल गया कि कौन कितना दोस्त है। एक दुर्घटना ऐसी भी हुई जीवन में जिसमें मेरी पत्नी का जब एक्सीडेंट हुआ था, वो कोमा में थी, उस समय मैंने अपने 5 दोस्तों से 10-10 हज़ार रुपये मांगे थे कि मेरे वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, वो कोमा में है और फिक्स डिपॉजिट मेरे पास पैसे हैं लेकिन उसको तोड़ने में समय लगेगा, कृपया मुझे 10-10 हज़ार रुपये भेज दीजिए। मैंने अपने 5 दोस्तों से 10-10 हज़ार रुपये का डिमांड किया क्योंकि मेरी वाइफ डेथ बेड पर थी, या तो उसकी मृत्यु हो जाती या वो बचा ली जाती। खैर, मेरे किसी दोस्त की तरफ से, 5 दोस्त में से किसी भी दोस्त की तरफ से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला और 6 दिन बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया। अब आप एक बात बताइए, जिस आदमी को ये पता हो कि समय आने पर उसके 5 करीबी दोस्तों ने उसे 10 हज़ार तो क्या 10 रुपये भी नहीं दिए, उसका दोस्ती पर से विश्वास उठेगा या नहीं उठेगा? आज के वीडियो का सबसे बड़ा हाईलाइट ये लाइन है, अगर आपको जीवन में कभी ऐसी स्थिति आती है जहाँ मेरी पत्नी की मौत होने वाली है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कोमा में है, और मैंने दोस्तों से पैसे मांगे और मेरे दोस्तों ने मुझे 1 रुपया भी नहीं भेजा, धक्का लगता है या नहीं लगता है? लगता है। लेकिन इसका भी एक उपाय है, और उपाय यह है, कृपया सबसे पहले अपने आप से दोस्ती कीजिए, अपना दोस्त खुद बनिए। सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, बिजनेस में इतना मजबूत कीजिए कि आपके पास लाखों करोड़ रुपया हो। धन के मामले में दोस्त पर निर्भर रहना दुनिया की सबसे गंदी बात है। अगर कोई आदमी अपने दोस्त से पैसे मांगता है या पैसे उधार लेता है, उसकी दोस्ती बहुत दिन तक नहीं टिकने वाली है, उसकी दोस्ती 2-4 दिन में राम राम बोल देने वाली है। और मैं अपने बल पे कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में 10-20 से अधिक लोगों से पैसे लिए, उधार लिया, नतीजा ये हुआ कि मेरे जीवन से सारे के सारे दोस्त निकल गए। कोई भी भिकमंगा दोस्त पसंद नहीं करता है। जब मैं ही भिकमंगा था, भिखारी था, मेरे पास पैसे नहीं थे, लालच तो नहीं था मेरे में, लेकिन मैंने समय समय पर दोस्तों से पैसे उधार मांगे, नहीं चुका पाया, बहुत दिनों तक नहीं चुका पाया, धीरे धीरे मेरी दोस्ती खत्म होती चली गई। आज मेरे जीवन में गिन करके शायद 5 लोग बच गए होंगे जो मेरे दोस्त हैं, उनमें से 1-2 लोग मुझे फ़ोन करते हैं, 2 आदमी। मेरे पूरे लाइफ टाइम में 51 साल की उम्र में मुझे सिर्फ 2 आदमी ही फ़ोन करते हैं और बाकी सब ठीक है।
कहाँ गड़बड़ हो गई? गड़बड़ है दोस्ती। दोस्ती में पैसा, दोस्ती का सबसे बड़ा दुश्मन है पैसे का लेन देन। इसलिए मैं आज के वीडियो में फ्रेंडशिप डे में ये मैसेज देना चाहता हूँ, दोस्ती के बीच पैसे को मत आने दीजिएगा। आज मेरे जीवन में जो भी दो चार दोस्त हैं, मैंने उनसे कभी भी एक रुपये का डिमांड नहीं किया है और न कभी जीवन में करने वाला हूँ। चाहे कोई भी कष्ट हो जाए, आदमी को कष्ट झेलना चाहिए पर दोस्त के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। खैर, वो मेरे बुरे दिन थे और उस बुरे दिनों में जिन दोस्तों ने मेरा साथ दिया उनको बहुत बहुत थैंक यू नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्ती में थैंक यू नहीं बोली जाती है। आज भी जो लोग अपने जीवन का सबसे कीमती चीज़ क्या होता है आदमी के पास? समय। जिस दोस्त ने आपको समय दिया हो, उससे बड़ा दान दुनिया में कुछ नहीं है। जिन दोस्तों ने मुझे अपना समय दिया है, साल, दो साल, दस साल, बीस साल, पचास साल, उन दोस्तों को मैं क्या धन्यवाद कर पाऊँगा। बहुत फिर भी आभारी हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। इस समय YouTube पर देखिए सरोज पांडे ब्लॉग मेरे चैनल का नाम है और मेरे 2500 सब्सक्राइब्स हैं। इन सभी को मैं अपना दोस्त मानता हूँ। इनके सहयोग से आज मेरा जो YouTube चैनल है 2500 सब्सक्राइब और 6.5 लाख व्यूज, जो भी सफलता मुझे आप लोगों की तरफ से मिली है, मैं आप सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप सभी मेरे दोस्त हैं। जीवन में कभी अवसर मिला आप मुझे याद दिलाइएगा, हम सब मिलकर किसी होटल में खाना खाएंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं बस वो मुझे एक बार याद दिला दें, फिर हम जहाँ भी मिलेंगे हम उत्सव जरूर मनाएंगे। प्यारे दोस्तों, दोस्ती बहुत कीमती चीज़ है, पर दोस्ती में एक बात और होती है, रूठना, मनाना, डांटना और कभी कभी तो मारना भी चलता है। प्यारे दोस्तों, दोस्त चमचा नहीं होता है। दोस्ती का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि दोस्त आपका चमचा नहीं होता है, जहाँ उसे गलत दिखेगा वो आपको बताएगा। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी गलतियों पर मुझे टोका है, और नहीं सिर्फ टोका है बल्कि बड़े ही कठोरता से मेरे साथ व्यवहार किया है, जिससे मेरे जीवन में सुधार हो सके। तो जो आपका सच्चा दोस्त होगा वो आपकी गलती पर आपको टोकेगा, आपको रोकेगा, आपको समझाएगा, आपको डांटेगा, यहाँ तक कि वो आपसे रूठ जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, आपसे बातचीत बंद कर देगा, यानी कि आपका नंबर ब्लॉक कर देगा। ऐसे दोस्त मेरे जीवन में हैं जो मुझे मेरी गलतियों पर टोकते हैं, डांटते हैं, मुझे छोड़ देते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते हैं, और फिर भी वो मेरे दोस्त हैं। आज के दोस्तों में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज तो मुझे सभी का प्रशंसा ही करना है, क्योंकि दोस्त का बुराई मैं आपके सामने क्यों करूँ। अभी अपने दोस्त का बुराई किसी और के सामने मत कीजिएगा। दोस्त की बुराई दोस्त के सामने की जाती है, किसी और के सामने नहीं की जाती है। अगर मैं अपने दोस्तों की बुराई आपके सामने कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं किसी की बुराई भी किसी के सामने कर सकता हूँ। हमें अपने दोस्तों की बुराई अकेले में दोस्त के सामने ही करनी चाहिए, ताकि उसमें कोई सुधार आ सके। दोस्तों का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं दोस्तों के बारे में और एक नियम कह सकता हूँ, यदि कभी किसी दोस्त को सचमुच पैसे की ज़रूरत हो और आपको पता है कि ही इज रियली नीडी, आज उसे पैसे की ज़रूरत है, और अगर मेरी सामर्थ्य है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा बिना किसी रिटर्न के आशा के। मैं जब भी अपने किसी दोस्त की मदद करूँगा उसे रिटर्न की आशा नहीं करूँगा। दोस्ती में पैसा और लेन देन होता ही नहीं है। अगर कभी उसे लगे उसके पास काफ़ी पैसे हैं, वो मुझे लौटाना चाहे लौटा सकता है, नहीं लौटाना चाहे कोई बात नहीं, उसने सबसे बड़ी दौलत मुझे दे दी है, दोस्ती। दोस्ती बहुत बड़ी दौलत है। इस समय कल रात को भी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। मेरे जितने भी करीबी दोस्त हैं, अगर मैं 2-4-5 का नाम लूँ तो बाकी को लगेगा कि भाई मुझे तो याद ही नहीं किया। इससे अच्छा है कि मैं 2-4-5 का नाम नहीं लेकर के मैं सबको बता दूँ, जिन लोगों ने भी मुझे प्यार किया है, प्यार करते हैं, प्यार का जवाब प्यार ही होता है। मेरे तब से जितने भी मेरे मैट्रिक के टाइम के दोस्त हैं, कहते हैं ना टीनेज वाली दोस्ती, यानी कि 13 एज से लेकर के 19 तक, यानी कि मेरे लिए 1992 तक जितने भी लोग मेरे दोस्त बने, मेरे जन्म से लेकर के 1992 तक जितने लोग मेरे दोस्त बने, वो दोस्ती नादानी में दोस्ती हुई थी, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। वो दोस्ती बहुत ही बहुत प्यारी लगी। और 1992 के बाद जो लोग मेरे जीवन में आए,
उनकी दोस्ती में एक मैच्योरिटी है, एक परिपक्वता है, एक अंडरस्टैंडिंग है। और बेवकूफ़ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। फिर समझदार दुश्मन हो तो क्या कहने। इस समय मेरे जितने भी बाद के दोस्त हुए, 1992 के बाद के दोस्त हुए, वो सारे के सारे बहुत ही समझदार हैं। और समझदार आदमी की दोस्ती जीवन में चार चांद लगाती है। मुंबई में मेरा एक दोस्त है नरेंद्र सिंह, बस मैं उसका ही एक नाम लूँगा। नरेंद्र सिंह से हमारी दोस्ती 20 साल की है। सुबह शाम हमेशा वो हमको मैसेज करता है, फ़ोन करता है। वो बहुत ही प्यार लड़का है और मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं उसका प्यार को सूद सहित लौटाऊँगा। आई लव हिम वेरी मच। मैं उस लड़का से भी बहुत प्यार करता हूँ। हमारी दोस्ती ईश्वर करे युगों युगों तक बनी रहे। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि बॉयफ्रेंड मेरे जितने भी हुए, यानी कि मेरे पुरुष दोस्त जितने भी हुए, और सारे के सारे दोस्त को मैं कहना चाहता हूँ, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप लोग का कोई भी फ़ोन, मेरे दोस्त का कोई फ़ोन आए, अगर मैं बिजी नहीं हूँ तो ज़रूर उठाऊँगा। ये आज के वीडियो का खास मकसद है। अगर कोई आदमी आपके फ़ोन करने पर आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, या तो बिजी है या फिर वो आपका दोस्त ही नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, वो भी आपका दोस्त ही नहीं है। भूल जाइए उसको। से हिम और हर गुड बाय। वैसे लोग को बाय कीजिए, उधर समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती। दोस्त को उसके सारे अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार करना चाहिए। मेरे जितने भी दोस्त हैं, चाहे जैसे भी हैं, और अब तो पिछले 2-4-5 सालों में मेरे जीवन में कुछ ऐसी महिलाएं भी आई है, ऐसी लड़कियां भी आई हैं जिन्हें मैं बेटी कहना चाहूँगा, बहन कहना चाहूँगा, माँ कहना चाहूँगा, और वो सभी मेरे दोस्त हैं। मेरे तरफ से, उनकी तरफ से नहीं, मेरे तरफ से दे ऑल आर माई फ्रेंड्स। मेरे सभी गर्ल फ्रेंड्स को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। लेकिन वो सारी गर्ल फ्रेंड्स को मैं अपनी माँ, बहन और बेटी ही समझता हूँ। ये मेरे तरफ से दोस्ती का तोहफा है। आप सभी मेरे दोस्त हो और दोस्ती बहुत ही बड़ी चीज़ है। आज फ्रेंडशिप डे के अवसर पर मैं अंत में एक बात और कहना चाहूँगा। दोस्ती भी लगता है ऊपर से ही, आसमान से ही ये रिश्ता बनकर आता है। जैसे लोग कहते हैं कि शादी ब्याह जोड़ियाँ आसमान में बनती है, वैसे ही मुझे लगता है कि दोस्ती भी आसमान में ही बनती है। मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी मेरे गॉड गिफ्ट हैं। आप सभी दोस्तों को मेरा बहुत सारा प्यार। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और एक बार फिर से कह दूँ, मेरे सभी, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड्स हो, सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे मेरे जीवन में और भी दोस्त बढ़ते जाएं। हमारे जीवन में दोस्ती ही खुशियां देती है। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।